नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। COVID-19 की रोकथाम के लिए सरकारी स्तर पर जी तोड़ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पर इसके रोकथाम की जिम्मेदारी है वही लोग इसमें पलीता लगा रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव इलाके में गोकुलधाम रोड पर पीपीई किट फेंकी हुई पाई गई है। देखिए हमारी संवाददाता सरिता शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मुंबई में लगातार कोरोना वायरस की संक्रमित से लोगों की संख्या बढ़ रही है, और ऐसी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से लापरवाही जो है यहाँ पे देखी जा रही है। ये गोकुलधाम गोरेगांव का एरिया है जहाँ पे इस तरह से पीपीपी किट जो है बाहर निकाल के फेंका गया है। बारिश का मौसम है, बारिश का समय, और ऐसे में इस तरह से लापरवाही देखी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे सामने बिल्डिंग है, सोसाइटी है, काफ़ी पोश एरिया माना जाता है ये गोकुलधाम यहाँ पे, और इस तरह की लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है। यहाँ के हमने जो वॉचमैन थे उनसे भी हमने बात की, उनका कहना है कि हमने यहाँ पे कितने बार मना है कि इस तरह से कचरा ना फेंका जाए, लेकिन फिर भी हर बार इस तरह का जो है लापरवाही यहाँ पे किया जाता है। लोगों ने शिकायत भी की थी, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है नज़दीक में, कि इस तरह का कचरा ना फेंका जाए, फिर भी ऐसी हरकतें देखी जा रही है, जिसके चलते ये एरिया जो है और भी खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल आपको बता दें मुंबई में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या है 82,000 के आसपास पहुंच गई, और ऐसे में ऐसी लापरवाही देखी जा रही है। एचएम न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा की रिपोर्ट। बता दें कि COVID-19 गाइडलाइंस के तहत बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के अनुसार कूड़ा का निस्तांतरण किया जाना होता है। इसके लिए अस्पताल में लाल, काले, पीले और सफेद रंग के डस्टबिन रखे गए हैं। पीपी किट को इस्तेमाल करने के बाद हाइपोक्लोराइड के घोल में डुबाया जाता है और बाद में इसे बैग में पैक किया जाना होता है। क्वारंटीन केंद्रों से जो कचरा निकलता है उसे पीले बैग में इकट्ठा करके बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट में भेजा जाना होता है, लेकिन कई अस्पताल इस गाइडलाइन का उल्लंघन खुलेआम कर रहे हैं। साथ ही सरकार के सभी प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। मुंबई में आंकड़ा वैसे भी लगातार 82,000 के पार जा चुका है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरों का सामने आना वाकई ही लोगों के लिए, साथ ही महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वही तो उनको पता नहीं ना क्या कहाँ से आते हैं, तो हॉस्पिटल का है, यहाँ अलका जैन हॉस्पिटल है, बाकी और कोई नहीं है। देखिए सब हॉस्पिटल का ही है, ड्यूटी करते सर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ आपको जब नहीं बढ़ते गेट में नहीं बढ़ते, पहले गेट में बैठ रहता था, अब क्या ना ड्यूटी हम लोग आगे चला गया। अब सब लोग आते हैं, नया नया आदमी लोग आते हैं, उन लोगों को कुछ बात करना पड़ता है, इससे तो बिजली बिजली छोड़ता नहीं है। कोई स्प्रे आया, सामान आया, हम लोग वहाँ क्या करते हम लोग को छोड़ते हैं लेके, अब किसी को ऊपर जाना नहीं देता है बिल्डिंग में, इसीलिए हम लोग को सिक्योरिटी चार्ज मैंने सामने हम लोग को वहाँ बैठने के लिए बोला है। तो ये थी मराठी खास खबर। इसी तरह के खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।